वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें कॉस्ट ऑफ पेपरिंग फोर वॉल्स ऑफ ए रूम बता दिया गया है, ₹240 है एट द रेट ऑफ 75 पैसा पर मीटर स्क्वायर, एंड उस रूम का हाइट हमें बताया गया है 5 मीटर है, एंड लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ का वैल्यू फाइंड करना है। सो अगर हमें रेशियो पता है तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि लेट L equals to 5x and B equals to 3x, और हमें cost of papering 4 walls पता है तो हम 4 walls का एरिया भी पता लगा सकते हैं। Therefore, area of walls equals to हो जाएगा total cost, that is 240 डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 75 पैसा। इसे हम लोग रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.75। सो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स आ रहा है दिस वन, एंड हमें हाइट लेंथ और ब्रेथ भी पता है तो इससे भी हम लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अगेन लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू होगा 2 × length + breadth × height इक्वल्स टू 2 × length इज 5x + breadth इज 3x × height इज 5। सो आप अगर देखो तो लैटरल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ द फोर वॉल्स सेम होना चाहिए, तो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट 2 × 5x + 3x × 5 इज इक्वल टू होगा 240 × 0.75, और 10 × 8x इक्वल्स टू होगा 240 × 100 × 75, और x इक्वल्स टू होगा 240 × 100 / 75 × 10 × 8, दैट इज 80। और इसे आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 4। सो हमें अगर x 4 मिल गया है तो हम लेंथ और ब्रेथ आसानी से पता लगा सकते हैं। Therefore, l इक्वल्स टू हो जाएगा 5 × 4 = 20 meter, एंड ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 4 = 12 meter। सो यही हमारा आंसर। थैंक यू।